तो वल्लभीपुर नगर पालिका ना नगर सेवको शहर ना अलग अलग विस्तारों में जाइने जाते सफाई अभियान आदरी होतु सफाई ने लेने लोगों में खूब रोष होवाने कारणे रविवार 21 सभ्यों ने बॉडी ना अमुक सभ्य विविध वार्ड में सफाई अभियान हाथ धरू होतु जेमा पालिकाना चीफ ऑफिसरे गैरकायदेसर भर्ती थयेला 34 कर्मचारीओने महेकममांथी छूटा करता दैनिक सफाई कामगीरी खोरंभे चढ़ी हती जेना पगले 1-6 वोर्डमां खूब गंदकी एकठी थई गई हती जेने लईने पदाधिकारी खुद सफाई कामगीरीमां जोड़ाया हता। तो गैरकायदेसर भर्ती करायेला माध्यमों में विवाद खूब वकरता चीफ ऑफिसरे छूटा करेला 34 कर्मचारी थोड़ा दिवस सुधी पालिका कचेरी खाते धरना पर बैठा है। धरना पर बैठेला 34 पैकी कोई एक कॉन्ट्राक्टर ना कर्मचारी ने धाक धमकी आपीने तेमना मार्फत थकी कामगीरी पण आजथी संपूर्णपणे बंद करावी दीधी छे। त्यारे भारतीय जनता पार्टी 21 सभ्योमांथी अमुक सभ्योए विविध वोर्ड में जईने जाते सफाई अभियान हाथ धरी अने डस्टबीन में सूको अने भीनो कचरो अलग अलग विभाग में डस्टबीन नाखवानी कार्यवाही हाथ धरी हती। बीजी तरफ वल्लभीपुर नगरपालिकाना छूटा करेला कर्मचारियों ने गैरकायदेसर फरज पर परत लेवा जिला भाजपना अध्यक्षना नेजा हेठळ तख्तो तैयार थयो होवानुं आधारभूत सूत्रों जणावी रह्या छे। भाजपाना ज अमुक सभ्यो कर्मचारीओ बाबते विरोधमां होवानुं चर्चाई रह्युं छे, ज्यारे घणा बधा लांबा समयथी गैरकायदेसर कर्मचारीओना महेकमनो विवाद चाली रह्यो छे, जेमां वल्लभीपुर नगरपालिका महेकम करता वधु कर्मचारीओने लईने खूब मोटा पाये कौभांड थयुं होवाना भाजपना ज अमुक सभ्योए लेखित फरियाद करी हती, जेने लईने पालिकाना चीफ ऑफिसरे थोड़ा दिवसों पहला ज लेखितमां नोटिस आपी 34 कर्मचारीओने घर भेगा कर्या हता, जेने लईने भाजपना अमुक नगरसेवकोने बारोबार नाराजगी व्यक्त करी हती। तो एमनु निवारण न आवे त्यां सुधी अमे आ रीते गाम सफाई करवा माटे निकळशुं। वोर्ड वाइज अमे ई रीतनी टीम बनावी छे के गाम लोकोने कोई तकलीफ न पड़े એવા અમે પ્રયત્નો કરીશું। ત્રણ દિવસથી સફાઈ નથી, ગામ લોકો એવું કહે છે ત્રણ દિવસથી પાણી નથી આવતું, તો એનું નિવારણ ક્યારે થશે? પાણી તો ઉપરથી ત્રણ દિવસનો કાપ હતો પણ કાલથી રાબેતા મુજબ શરૂ થઈ જશે। તો હવે શું વલ્લભીપુર નગરપાલિકામાં સવાર બપોર અને સાંજે જે ટેમ્પલ બેલ્ટ આવતી હતી કચરો લેવા તે કાયમી માટે આવશે કે તમે ખાલી ફોટો સેશન કરવા માટે તે સભ્યો આવ્યા છો? ના ના, ફોટો સેશન માટે નથી પણ ગામના કામ કરવા માટે કાયમી આવશે। ધર્મેન્દ્ર શ્રી સોલંકી સાથે લાઈવ 24 ન્યૂઝ વલ્લભીપુર।